तो गाइस YouTube मोनेटाइजेशन का एक बहुत ही नया अपडेट आ गया है जो कि 5 जून से अप्लाई कर दिया जाएगा, यानी कि उस अपडेट को लागू होने में सिर्फ एक महीना बच रहा है। पर YouTube ने हमें पहले ही वार्निंग दे दी है कि भाई ये अपडेट है, ये होने वाला है। सो गाइस मैं आपको बताता हूँ कि क्या अपडेट आई है यूट्यूब की तरफ से, क्यों अब मोनेटाइजेशन हार्ड हो गया है, मैं आपको बताने वाला हूँ गाइस। तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो नए नए चैनल होते हैं उनका सबसे पहले टारगेट रहता है अपने चैनल को मोनेटाइज करवाना, और मोनेटाइज करवाने के लिए उनको कंप्लीट करने पड़ते हैं 1000 सब्सक्राइबर, 4000 घंटों का वॉच टाइम। उसके बाद वे अप्लाई करते हैं अपने चैनल को यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम में गूगल एडसेंस के लिए, मोनेटाइजेशन के लिए। अगर हम सिंपल भाषा में बात करें तो उसके बाद यूं होता था कि बाई चांस अगर मान लीजिए कि आपका जो चैनल है वह यूट्यूब की तरफ से रिजेक्टेड कर दिया गया है, डीमोनेटाइज कर दिया गया है, तो आपके पास एक ऑप्शन होता था कि आप 30 दिन बाद उस चैनल को दोबारा से रीअप्लाई कर सकते हैं मोनेटाइजेशन के लिए। अपने चैनल में कुछ भी आपको चेंजेस करने हो तो वो चेंजेस करने के बाद आप उस चैनल को 30 डेज के बाद रीअप्लाई कर सकते हैं। बट यूट्यूब ने अब इस टाइम पीरियड को बढ़ा दिया है गाइस। अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हो तो आपको 30 दिन ही मिलेंगे, पर अगर आप दूसरी बार रीअप्लाई कर रहे हो तो आपको 90 दिन के लिए रुकना पड़ेगा गाइस। 90 दिन तक आपके अगर अचीवमेंट भी है, अगर आप सब चीज में सही है तो भी आपका चैनल 90 दिन से पहले दोबारा से आप रीअप्लाई नहीं कर सकते हो, आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हो पाएगा। और जो क्रिएटर्स पहले से चैनल को मोनेटाइज कर चुके हैं उनके होता था कि वो एक ज्वाइन बटन देते थे अपने मेंबर्स को, अपने सब्सक्राइबर्स को मेंबरशिप के लिए। तो उसमें यूं होता था कि अगर बाय चांस आपका एडसेंस का जो अकाउंट है वह सस्पेंड हो गया है तो आपको उसमें 90 दिन का टाइम मिलता था कि आप 90 दिन के अंदर उसको दोबारा से रीअप्लाई कर सकते हैं।